अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब पहले की तरह बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज है बहुत ही खुशी का दिन और खुशी के दिन के साथ साथ यूसरा नाश्ते की प्रिपरेशन कर रही है ईद पे। अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो करना भूल ही गए। ईद आपसे अभी नहीं मिलेंगे जब आप, चलो ईद मुबारक बोल ही देते हैं। ईद मुबारक यूसरा, आपको बहुत बहुत वेरी हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक। लेकिन जब आप रेडी हो जाएंगी उसके बाद भी आपको हम ईद मुबारक कहेंगे। और क्या बन रहा है आज नाश्ते में? ये सब यूसरा तुमने बनाया है? वाओ वेरी गुड। ये छोले हैं, इधर बन रही है पूरियां, ये जो यूसरा बेल ली है आलू का सालन और शीख कुरमा। वाओ वेरी गुड, आज तो मजा आ जाएगा। यूसरा तुम तो शेफ बन चुकी हो, पूरी पूरी शेफ। वाओ, थोड़ा थोड़ा मैं भी बन जाऊँ तुम्हारे साथ शेफ? नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी भाई नाश्ता बनाओ, फिर नाश्ता करते हैं उसके बाद रेडी होते हैं। अब दोनों हम मिलके बोलेंगे सबको वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक। आज तो मजा ही आ जाएगा ईद की सुबह सुबह नाश्ता करने में। अच्छा, यहाँ पर बासिल मुन्ना माशाल्लाह रेडी हो रहा है ईद के लिए। आहा आहा बासिल गुड्डा, माशाल्लाह ईद मुबारक। पहले उंगलियां खा लो तुम, हमने तो नाश्ता कर लिया है वहाँ पर। A few moments later. Assalamualaikum. Very very happy happy Eid Mubarak. Yusra, बहुत अच्छी लग रही हो तुम माशाल्लाह। हमारे चेहरे पे जो स्माइल है, मुझे लग रहा है तुम इस ईद पे बहुत ज्यादा खुश हो। ईदी कहाँ है? जो खजाने में छुपा के रखी थी वो निकाल लो फौरन, क्योंकि सबको ईदी बांटने का टाइम आ गया है। सबकी ईदियाँ यूसरा ने निकाल ली हैं। यूसरा मैं तो बोल रहा हूँ तुम्हारी आज बहुत ज्यादा मेहनत है, तुमने आज हमारे लिए ईद का नाश्ता बनाया है, तो तुम अपने हाथ से ही सबको ईदी बांटोगी? नहीं, सबसे पहले मेरी ईदी है। अच्छा, ये तो मैं दूंगा ना, तो चलो लाओ ये मुझे दे दो लिफाफा। ये रही यूसरा की ईदी। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक, फिर से दोबारा से ईद मुबारक। वाह भाई वाह, आजा आजा, सबसे पहले ईद मिलते हैं उसके बाद सबको ईदी बांटते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, ईद मुबारक। बासिल और पापा के साथ साथ ईद मुबारक। असल आप तो इधर हो, ईदी कौन लेगा? आ जाओ बासिल, चलता हुआ आगे आगे बासिल आगे। भाई मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे तुमसे तो मिलना ही भूल गया। ईद मुबारक, ईद मुबारक, तीन बार ईदी मिलो, एक दो तीन। ओ आपकी ईदी नहीं है मेरे पास। सबर करो। अरे भाई जान, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हाल है आपके? ईदी तो आपको नहीं चाहिए होगी, मुझे तो ऐसी लग रहा है। कम से कम सात बार ईदी मिल चुके हमसे। जब तक ईद रहेगी तीन दिन तक मैं मिलता रहूंगा, दोबारा मिलो फटाफट से, ईद दे दो मैं फटाफट। सब लोग लाइन से बैठो, उसके बाद ईदी मिलेगी जी। लाइन से बैठना पड़ेगा, दूसरा अपने हाथ से देगी। चलो ये बासिल की ईदी, अभी पकड़ो पकड़ो बासिल पकड़ो। नहीं चाहिए। नहीं पकड़ लेगा, पकड़ लेगा भाई। अरे पकड़ ली भाई, मुबारक हो मुबारक हो। बासिल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब किसकी बारी है? अब सबसे बड़ा कौन है? बासिल से शुरू किया तो फिर छोटे से बड़े पे जाएंगे। अच्छा छोटे से बड़े पे जाएंगे, चलो ठीक है ठीक है। लाओ फरिया को मैं देता हूँ। फरिया की ईदी। वालेकुम अस्सलाम, अब किसकी ईदी है? अच्छा हुसैन। फरिया से बड़ा हुसैन, तो हुसैन की ईदी। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मम्मा की ईदी, मम्मा की ईदी। आपकी ईदी, थैंक यू, वेलकम 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 जी। तुम्हारी ईदी नहीं है, तुम्हारी ईदी हमारे पास है ही नहीं। कल को मिले थे फिर समझ में आता है, एक बार बंदा मिले, तुम तीन बार मिल रहे हो, मुझे लगा तुम ज्यादा ईदी दोगे मेरे को। यार ये बहुत गुस्सा हो रहा है, इसको दे दो ईदी, दे ही दो। अच्छा तो थी, ये लो तुम्हारी ईदी। नहीं ये तुम्हारी नहीं है, सबक ईदी है। आर यू कॉमेडी मी? वालेकुम अस्सलाम। मास्क की तो बेचारे की आई नहीं रही ईदी, आई है अभी तक नहीं आई है। आ गई आ गई है, आ गई है। शुक्र, पहले शुक्र करो। ओ थैंक यू थैंक यू। अरे भाई आपने क्यों ले ली मास्क की थी? भाई मैंने तो तुम्हें दे दी है। पहले की जो मम्मा थी वो बच्चों की दिखाती थी, मैं शोर की दिखाऊंगी बच्चे की सेफ करूंगी। वाह भाई वाह, तालियां बजाओ तालियां बजाओ, बहुत अच्छी बात की है। सबकी ईदी बढ़ गई है, अब हम हो चुके हैं फारिग। थैंक यू सो मच ईदी लेने के लिए आप सबका। 3 hours later. आ जाओ यूसरा, वेलकम करते हैं आप सबका डायरेक्ट सीव्यू पे। हम फ्री होके सीव्यू आ गए घूमने फिरने। शरारा पहन के सीव्यू आ गए। आ जाओ ऊपर आ जाओ आराम से देख के। ओए ओए ओए, बड़ी गर्मी हो रही है यार सीव्यू पे, तो मजा ही आ गया। पानी तो आज बहुत करीब आया, बहुत करीब है पानी आज तो। यूसरा मजा आ रहा है? नहीं बहुत धूप हो रही है, दिन का टाइम हो रहा है ना, लेकिन मजा भी आ रहा है। सामने से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पानी बहुत करीब आया हुआ है आज। अरे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सच में गर्म हवा नहीं आ रही है। मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रही है। मैंने आज सोचा कि आज हम पूरा कराची घूमेंगे यूसरा के साथ। आपको इसलिए मजा आ रहा है, आपने बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए।
हाँ मेरा कपड़ा ना बहुत नरम है। मजा आ रहा है तुम्हें यहाँ पर? मजा तो मुझे भी बहुत आ रहा है क्योंकि ईदी लेके भी फारिग हो गए, ईदी देके भी फारिग हो गए, सब चीजों से फारिग हो गए। पूरी रात तक मैं तो बोल रहा हूँ आज हम लोग घूमेंगे, ठीक है? ठीक है। तुम्हें तो नींद आ रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है उस रात। भाई वाह युसरा, क्या कहने हैं आपके, क्या कहने। और हम तो पूरी रात सोए भी नहीं है भाई। युसरा ने आज इतनी मेहनत की है, नाश्ता बनाया था। बाबा बहुत तेज चल रही है, आवाज का बड़ा मसला होगा इधर। आज नाश्ता वो वाला ईद के बाद वाला। अरे ईद की नमाज पढ़ने जब हम लोग गए थे उसके बाद आए थे, फिर हमने पूरी पराठे का नाश्ता किया छोलों के साथ, बहुत मजा आया था सच में, बहुत अच्छा बना था युसरा, बेहतरीन, एक बेहतरीन शेफ हो तुम। अब बताओ इसके बाद कहाँ जाना है? पेट वगैरह तो सारा भरा हुआ है भाई इसके बाद। अरे तुम तो यहाँ पर ही बैठ गई हो। इतना तेज गर्म हो रहा है। हाँ बहुत गर्म हो रहा है यार। ओए ओए मजा आ गया भाई आज तो सी व्यू आके। इसके बाद भी हम ऐसे रोड पे घूम जाएंगे, कुछ समझ आएगा तो वहाँ पे रुक जाएंगे, नहीं समझ आएगा तो ऐसे घूम जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। अलग ना खुश हो रहा है गर्मी की वजह से, कोई पानी वाला दिख जाए ना यहाँ पर तो पानी ले लेंगे उससे ना। आज सब छुट्टी पे हैं? नहीं नहीं छुट्टी पे नहीं है, मैंने देखा था बहुत दूर दूर है। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि दिन का टाइम हो रहा है, गर्मी बहुत है, लेकिन सामने से जो है ना बहुत ठंडी हवा आ रही है, मुझे तो ठंडी ठंडी फील हो रही है सच में। पानी जो है आज ठंडा है, सूरज बहुत गर्म है, ये रहा सूरज बहुत गर्म है, पानी आज बहुत ज्यादा ठंडा है। अच्छा अब दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं और रोड में और कराची शहर में क्या क्या हो रहा है, लोग कैसे कैसे ईद मना रहे हैं। अब इन मैडम को उतारना भी होगा क्योंकि ये मैडम बहुत अच्छा ड्रेस पहन के आ गई है यहाँ पर। आप लेकर आए मुझे यहाँ पर ऐसे? तो मैं तो घुमाने लाया हूँ ना यार। अरे पानी वाला आ गया भाईजान, आपका ही तो इंतजार कर रहा था मैं, पानी की बोतल चाहिए यार, एक ठंडा दो ना यार, गर्मी तो वैसे ही यहाँ पर इतनी हो रही है, गरम लेके क्या करेंगे। ठंडा पानी गरम है, ये गरम है, ठंडा ठंडा दे दो भाईजान, ठंडा। और क्या चीज लेनी है तुम्हें युसरा? ले लो जो चीजें लेनी है ले लो, आज तुम्हारी ईद है। ये बबल ले लो, बबल ले लो, ये लो तुम तो बच्ची बन गई। हाँ और एक बस खत्म। शॉपिंग भी हो रही है साथ साथ ईद की खुशी में, छोटी छोटी शॉपिंग है। युसरा तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए। कोई बात नहीं। तुमने ये नहीं बताया कि मैं कैसा लग रहा हूँ आज, मैंने तो तुम्हारी इतनी तारीफ की थी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आपकी तारीफ की थी लेकिन ऑफ कैमरा की थी। हाँ तो ऑन कैमरा तुमने कर दी है तो थैंक यू युसरा। भाईजान हमें देख रहे हैं, भाईजान वेट करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी आपको देते हैं पैसे। ठीक है। मैं इसको खोल रहा हूँ ना तो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि युसरा अभी क्यों खोल रहा हूँ, इसे बंद करो, रोजा है। वाह भाई वाह युसरा, वाह भाई वाह। सारे राइडर्स यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं फिर सी व्यू की तरफ। वाह भाई वाह, इनके तो मजे हैं, फुल ईद को एंजॉय कर रहे हैं ये लोग तो। हम भी बाइक पे आ जाते हैं, बहुत मजा आ रहा है। इस भाई को कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है भाई, बचा लो कोई तो बचा लो। बाइक पे वो फिर भी। One hour later. यहाँ पर इतना कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। कैसे हुआ होगा ये? बहुत हाई स्पीड पे जो जा रहा होगा। कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हो गया ईद पे यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक बाल के बिल्कुल सबको जाना चाहिए। अब आप भी कैमरा बंद करके आगे देखें। ओए ओए, एक गाड़ी ये आई भी, कैसे एक्सीडेंट हुआ यार, एक गाड़ी वहाँ पर एक गाड़ी यहाँ पर, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है ईद वाले दिन। अल्लाह ताला सबको अपने जमान में रखे और सब खैरियत से हो, दुआ यही करें। A few moments later. होए होए होए, एक और एक्सीडेंट हो गया यार। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं यार आज ईद पे, अभी अभी हमने एक एक्सीडेंट देखा इससे पहले। और इतने खतरनाक एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो भी एक ही रोड पे, इतनी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इतने बुरे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं ना लोग। ये पूरी फैमिली भाई कहीं ना कहीं अपनों में ईद मनाने जा रही है युसरा। सब अपने रिश्तेदारों में ईद मनाने जा रहे हैं, कितना मजा आ रहा है ना, बाहर की गरम गरम हवा एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, लेकिन ठंडी हवा भी आ रही होगी इस पे, ऐसी बात नहीं है। अब पता चल रहा है आप जो एक्सप्लोर करने निकले थे वो किस तरह से, किस किस तरह से लोग ईद मना रहे हैं, हर तरीके से लोग ईद को एंजॉय करते हैं युसरा। माशाल्लाह। मैं तो बोल रहा हूँ कब से हम लोग रोड पे घूम रहे हैं, अब जरा लॉन्ग ड्राइव भी कर लें। और अभी तक क्या कर रहे थे हम? अभी तो बहुत ज्यादा ही लॉन्ग ड्राइव की, लेकिन अब हम जाने वाले हैं बैरिया टाउन। मैं तो ये सोच रहा हूँ युसरा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बता दो, हम चलेंगे बैरिया टाउन। वैसे चल लेते हैं बैरिया टाउन क्योंकि एक महीने से मैं गया नहीं हूँ। हिम्मत मेरी क्या, गाड़ी तो आपने चलानी, तो चले। अरे मैं तो ले जाऊंगा, अभी देखो 220 की स्पीड में मैं लेके जाऊंगा तुम्हें। एक्सक्यूज मी।
अरे नहीं उस तरह मजाक कर रहा हूँ, कब से तुम मुझे देख रही हो। पहली बात तो ये कि 220 आपकी गाड़ी में है नहीं, और दूसरी बात ये कि जितना है आप उतने तक भी नहीं लेके जाएंगे। अपना नहीं तो अपने घर वालों का ख्याल रखें जरा, किसी की ईद खराब नहीं करें इस तरह से। युसरा तुम मेरे साथ कब से घूम रही हो, मैं कितनी स्लो स्लो गाड़ी चला रहा हूँ ना, देखो अभी भी चल रही है 40 की स्पीड पे, ज्यादा से ज्यादा 50। अच्छी बात है इतनी स्पीड पे चला है, क्योंकि अभी जितने एक्सीडेंट्स मैंने देखे ना, मुझे इतना अफसोस भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि लोग किस तरह से अपने शौक के पीछे अपनी फैमिली की खुशियाँ बर्बाद कर रहे होते हैं। अब पता नहीं एक्सीडेंट होने की बहुत सारी वजह हो सकती है, अब हमने तो देखा नहीं है। जानते हैं लेकिन जहाँ तक जिस तरीके से एक्सीडेंट हुए हैं उसको देख के जो लगता है उस पे, बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं क्या हुआ है। वैसे अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे और जो इस तरह की हरकतें करने उन्हें हिदायत दे। आमीन आमीन आमीन। बस इसी स्पीड के ऊपर हम बैरियर टाउन चलते हैं, एक दो घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। फिर वहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लोग कैसे ईद मना रहे हैं। वैसे मुझे जो लगता है ना, वहाँ के लोग मतलब सब अपने अपने घरों में ही होंगे, कोई बाहर ही नहीं होगा, वहाँ सन्नाटा होगा। अच्छा उठ जाओ उठ जाओ, आ चुका है बैरिया टाउन। तुम तो पूरे रास्ते सोते सोते आई हो बैरिया टाउन। इतनी नींद आ रही थी भाई। यहाँ देखो हमारा वेलकम हुआ है ईद मुबारक से। मुबारक। यहाँ के रोड तो पूरे पूरे खाली हो रहे हैं यूसरा। मैंने कहा था ना आपसे। इससे अच्छा तो कराची में बाइकर तो निकले हुए हैं। कराची में तो बहुत रश है यार, ये तो पूरा सन्नाटा हो रहा है। हम कराची से पहले ऐसा शख्स होंगे जो सिर्फ ये देखने आए कि बैरिया टाउन में लोग कैसे ईद मना रहे हैं, ऐसे मना रहे हैं। हम नहीं सिर्फ आप भी तो आइए फिर मेरे साथ। फुल सन्नाटा हो रहा है यार, बंदा तो यहाँ पर क्रिकेट खेले। ये देखे रोड कितने खाली हो रहे हैं, कराची शहर तो फिर भी बहुत बहुत ज्यादा भरा हुआ है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये यहाँ पर और कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा और यूसरा को यहाँ पर लेनी है अपनी पिक्चर सोते सोते। यूसरा तो बाकी में बहुत थक गई है। यूसरा तुम बहुत थक गई हो, अभी तुम्हें मैं खिलाता हूँ खाना और कुछ पिलाता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी एनर्जी आए। पिक्चर कहाँ लेनी है बताओ, थोड़ा सा साइड में हो। अरे ऊपर ही खड़े हो जाओ, हाँ ये अच्छी आ रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब चलते हैं भाई। फोटो सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है और बैरिया टाउन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यार। चलो अब चल के कुछ खा पी लेते हैं यूसरा, और पेट्रोल भी बिल्कुल एंड हो गया है, पेट्रोल भी डलवा लेते हैं और खाना खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बिल्कुल ठीक। आप बताओ, बहुत गर्मी में आप काम कर रहे हो सर? क्या करें, मजदूरी तो करनी है। हाँ ना, क्या कर सकते, काम तो काम है। फिर काम तो काम है सर। मैं तो बोल रहा हूँ पेट्रोल डाल दो, आप फुल कर दो टंकी आज फुल। ओके ओके सर, सही है। अब मजाक कर रहा हूँ यार, 3500 का डाल दो, बाकी ईदी तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। ये ले भाई जान पेट्रोल के पैसे हैं ये, और ये रही आप दोनों की ईदी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें, ईद मुबारक। A few moments later. सिर्फ जूस पीना है, कुछ खाना नहीं है। क्यों, भूख नहीं लग रही क्या तुम्हें? नहीं अभी भूख नहीं लग रही, सिर्फ जूस पीना है। चलो हाँ, वैसे भी अभी मेरा दोबारा से दिल नहीं कर रहा है, पहले दिल कर रहा था अब नहीं कर रहा है, जूस ही पी लेते हैं सिर्फ। ठीक है सर, ये पेट ना अभी थोड़ा गरम गरम हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है, जूस पीने से पेट ठंडा रहेगा हमारा। नींद भी पूरी नहीं हो रही ना इसलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। हमने नींद भी पूरी नहीं की और हम घूमे जा रहे हैं। मैंने बोला आज तो भाई घूमना है घूमना है और घूमना है। लाइए लाइए लाइए, ये ले यूसरा और ये रहा मेरा। तो आज हमने दिन का खाना खाया ही नहीं है, जूस पीने का दिल कर रहा था तो हमने जूस ही मंगवा लिया है। तो मैं तो बोल रहा हूँ व्लॉग को हम यहाँ पर एंड करते हैं क्योंकि नींद बहुत आ रही है, अब घर जाके डायरेक्ट सोना है भाई, सोना है। क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए, सफर बहुत ज्यादा कर लिया, पूरा कराची तो मैंने आज तुम्हें घुमा ही दिया है यूसरा। व्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, आज हो गई है भाई हमारी फुली फुली हैप्पी हैप्पी वाली ईद। ईद मुबारक वंस अगेन, हैप्पी हैप्पी ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मैंने बोला था कि गेम आएगा ईद के नेक्स्ट डे, तो वो अभी नहीं आएगा, ईद के बाद इंशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त गेम खेलेंगे, तो गेम की वीडियो अभी नहीं अपलोड हो रही, ईद के बाद हम गेम खेलेंगे। ईदी जीतो चैलेंज बहुत ही जबरदस्त होगा, तो देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो ये आपको जरूर करना, अगर नहीं भी आया हो तो करना तो है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वंस अगेन हैप्पी 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 ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत घूम लिया यार ईद पर पहली दफा, उफ बहुत ज्यादा ही घूमा इस दफा तो। इसी खाली खाली रोड के साथ वापस चलते हैं हम कराची।